सबसे पहले जब इसको पहली दफा आला लगाए तो अल्लाह का नाम सिखाए उस, क्योंकि 2 साल पहले मैंने बेरा टेस्ट करवाया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सुन भी रहा है बोल भी रहा है। शुरू से बचाना है तो अपने बच्चे की केयर करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर औरंगजेब है, मैं GMT हेयरिंग क्लिनिक में एज ए क्लिनिकल ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम अपने एक पुराने पेशेंट की रिव्यू देंगे जिसमें से आज से 2 साल पहले माँ अपने बच्चे को लेके आया था और उनको एक प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस थी। हमने बीरा यानी ब्रेवियर टेस्ट हमने किया है और उस टेस्ट के बाद उसको हेयरिंग एड ही लगने थे, तो माँ ने अपने फ़ौरन हेयरिंग एड सजेशन पे गए ट्रीटमेंट पे, और हेयरिंग एड लगाने के बाद उस बच्चे की जो आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल बाद जो रिव्यूज़ आए हैं और उसकी माँ हमें GMT हेयरिंग क्लिनिक को थैंक यू अदा करने आए, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी स्टाफ और टीम हम भी खुश हुए जो जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं बच्चे में। बच्चे अब पहले स्पेशल बच्चा कंसिडर किया जाता था लेकिन अब वो नॉर्मल एक आम बच्चा कंसिडर किया जाता है और स्कूल में जाता है, वो बोलता है, स्पीच करता है। आए सुनते हैं एक माँ की रिव्यू। हम आपके अगर बच्चों का इस तरह का मसला है बेरा टेस्ट करवाने के बाद, उसके बाद इस मशीन पर जाएंगे, मशीन से इसको सुनाई भी आएगी, काफ़ी बेहतरी आएगी। अगर मासूर से बचाना है तो अपने बच्चे की केयर करें, क्योंकि 2 साल पहले मैंने बेरा टेस्ट करवाया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सुन भी रहा है बोल भी रहा है। अपने बच्चे पे पूरी तवज्जा दें, इनसे लिपसिंग से भी बात करें, सब मुँह छुपा कर भी बात करें, इंशाल्लाह ताला ये बोल भी सकेंगे सुन भी सकेंगे, सारी माशाल्लाह बेहतरी आ गई इसमें। और स्पीच थेरापी भी इसके साथ साथ करवाएं, इसके साथ बहुत मेहनत करानी पड़ेगी। सबसे पहले जब इसको पहली दफ़ा आला लगाए तो अल्लाह का नाम सिखाए, उसके बाद अजानों की आवाज़ें सुनाई, जैसे मस्जिद में सजाने आती है उसकी सुनाई, उसके कानों तक पहुँचाएं, ताकि इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतरी और करे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, इसमें 2 साल के अंदर अंदर काफ़ी बेहतरी आ गई है, मेरा बच्चा सुन भी रहा है और बोल भी रहा है। अगर आपके आपको अपने बच्चे से को माजूरी से बचाना है तो अपने बच्चे की बहुत केयर करें। टेस्ट करवाने के बाद इसकी मशीन की बहुत खास ख्याल रखनी है। सेल्स में लगते हैं आड़े टेढ़े, सेल लगने से मशीन भी ख़राब हो सकती है, महंगी मशीन है। इसकी माँ की केयर है, माँ जब तक तवज्जा देगी तो बच्चा खुद ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह से उम्मीद है कि मेरी दुआएं भी है, ऐसे बच्चों को भी अल्लाह पाक और भी ठीक करे जिस तरह से मेरे बच्चे को अल्लाह पाक ने ठीक करा। और अच्छा जुनैद आप भी बात करें, देखिए मैं इस बच्चे से बात करती हूँ। जुनैद पप्पा कहाँ पर गए? पप्पा जोर से बोलना, पप्पा कहाँ पर गए? शाबाश, स्कूल जाओगे आप? नहीं, ट्यूशन जाना है? ट्यूशन जाना है आपको? बोलो हाँ जाना है। उधर हाँ, अच्छा मुर्गा चाहिए? मुर्गी चाहिए? मुर्गी बोलो, मुझे मुर्गी चाहिए। बोलो बोलो, मुझे मुर्गी चाहिए। मुर्गी चाहिए? अच्छा सही, बहुत मुर्गियों का शौक है। मैम आपको कब पता चला कि आपके बच्चे को हेयरिंग लॉस है और किस तरह आप मतलब इस अवेयरनेस पे आ गए? जी ये 2.5 साल का था, इसको पीलिया हुआ था, ठीक है। पीलिया होने के बाद इसकी समाज चली गई थी, लेकिन मेरी बहनों ने बोला कि इसको पीछे से आवाज़ ही नहीं आ रही है। एक मेरी बहन है, उसने बोला इसको पीछे से आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने बोला नहीं, ऐसी वहम है। मैंने बोला वहम है, जब मैंने भी जब करा तो नोट करा तो इसको मुझे भी पता चला हाँ इसको आवाज़ें नहीं जा रही है। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, सबसे पहले मैं इधर GMT आई और इन्होंने मुझे टेस्ट करा और बच्चे का बताया कि समात नहीं है। उसके बाद मैंने ये मशीन बनवाई, मशीन बनवाने के बाद उसको मैंने ये मशीन लगवाई है। शुक्र इसके साथ साथ मेरी हेल्प है, काफ़ी मैंने हेल्प करी है। मशीन लगाने के बाद बच्चों को कान में पीप वगैरह भी आती है, जख्म वगैरह हो जाते हैं। ठंडी चीज़ों से खट्टी चीज़ों से बचाना है और ज़्यादा पानी से भी बचाना है। इसके बाद ये जो है आला सही ठीक तरह से काम करता है। केयर बहुत करनी है आप लोगों को, अगर केयर कर सकते हैं तो ये मशीन बिल्कुल ठीक चलेगी। माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से मैं बच्चे को मशीन लगा रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सेल डाल देती हूँ, हर 15 दिन बाद इसका सेल चेंज करती हूँ, क्योंकि आला ज्यादा सेल होने की वजह से खराब हो सकता है। जी मैम, सेकंड क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि काफी जो पेशेंट आते हैं या पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं हमारा बच्चा छोटा है, इतनी महंगी मशीन है 70,000 की या लाखों रुपए की मशीन है, ये तो तोड़ देगा या इनसे नहीं होगा। तो आपने किस एज में बच्चे को लगाया और उस मशीन को कितने साल हुए? अभी सिर्फ वो एक ही मशीन चल रहा है या अभी तक आपने दूसरी चेंज की? 3 साल का हुआ था तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको 5-5, 10-10 मिनट लगा के, सही है ठीक है, 10-10, 5-5 मिनट लगा के या 15 मिनट लगा के, फिर उसके बाद मैंने आधा घंटा 1 घंटा इस तरह से मैंने इसको यूज़ करवाया। खूब पूरा ध्यान इस पे था मेरा, काम वाम से फारिग होकर पूरा ध्यान मेरा इस मशीन पे था कि मशीन को खराब ना करे। मतलब 3 साल से वो एक ही मशीन है? एक ही मशीन है, छोटे बच्चे के साथ। जी छोटे बच्चे के साथ। इसका मतलब है अगर माँ केयर करे या पेरेंट्स केयर करे तो मशीन 3 से 10 साल मशीन को कोई प्रॉब्लम नहीं आता, अगर माँ उनकी केयर करे। जी अगर मशीन की केयर करनी है ना माँ को करनी है, क्योंकि देखना इसको मशीन को, सेल बच्चों के हाथ में नहीं देना, मशीनें नहीं देनी है, बहुत ख्याल रखना है, फिर ठीक तरह से ये चलता है। ये नहीं देखें कि भाई महंगा है, अपने बच्चे के लिए देखें, आगे चल के ये मजदूर से बच सकता है। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो
और एक बेस्ट पेशेंट रिव्यूज थे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी प्राउड हुआ अपने इस आउटपुट रिव्यूज़ पे, और इस तरह मजीद रिव्यूज़ आते रहेंगे। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।